हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्ट्रक्चर का जो बेस प्लेट होता है उसे हम कैसे फिटअप करते हैं। सिर्फ बेस प्लेट के बारे में आपको बताऊंगा, फिर बाद में एक एक करके आपको बताते जाऊंगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए, ये बेस प्लेट है और इसको यहाँ पे फिटअप करना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बेस प्लेट का जो नंबर है BP1, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है BP1। और होल का जो डाया रहेगा 36 mm का रहेगा, होल का डाया 36 mm होल का डाया रहेगा। बेस प्लेट को फिटअप करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें हम इसमें सेंटर लाइन मारेंगे दो इस तरीके से। और इसमें सेंटर लाइन मारने के लिए हम क्या करेंगे, होल का जो डाया होता है यहाँ पर हम उसका होल का डाया हाफ ओडी उसका हाफ माइनस कर देंगे, साइड से मार्किंग ले लेंगे और इस साइड से उसमें हाफ मार्किंग करेंगे यहाँ पर इस होल से इस होल तक, इस होल सेंटर से और इस होल सेंटर तक का आधा यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है मतलब 225 और 225 मारेंगे इधर से इधर और इधर से इधर, एक लाइन इधर मार देंगे कि यहाँ पे 225 का और एक इधर भी मार्किंग करेंगे और इसमें ऐसे सेंटर लाइन मार देंगे। और ये जो कॉलम है, जो बीम है, इस बीम में भी हम सेंटर लाइन मार देंगे हाफ मेजरमेंट करके और साइड में भी हम मार्किंग कर देंगे इस तरीके से जैसे इसमें आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइन जो दिखा रहा है ये सेंटर लाइन में बिल्कुल होल जो है मैच करने के लिए बोल रहा है, यानी कि होल से 225 इधर भी होना चाहिए और 225 इधर से होना चाहिए इस तरीके से। और ये दूसरे साइड का दिखा रहा है 225/225 ये भी होना चाहिए, एक साइड का ये और दूसरा भी ये दे रहा है। तो उसी तरीके से हम इसमें सेंटर लाइन मार देंगे और इसमें बेस प्लेट को हम फिटअप कर सकते हैं इसी तरीके से। तो फ्रेंड, जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं इसी तरीके से ये फिटअप होगा। ये हमारा मान लीजिए कॉलम हो गया, बीम हो गया और ये बेस प्लेट, और इसमें ये जो सेंटर लाइन मारा हुआ है सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन मैच कर देना है और ये सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन मैच कर देना है। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।